जहानाबाद जिले के अंबेडकर चौक के समीप नूनू रेस्ट हाउस में भाजपा के बिहार सरकार के श्रम मंत्री शाहनवाज हुसैन, भाजपा के जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा और भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक के बाद बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में किसानों को खाद की किल्लत अब नहीं झेलनी पड़ेगी। इसके बारे में विभाग से बातचीत कर समस्या को हल किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वामपंथी का भारत बंद विफल साबित होगा। मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगामी 17 तारीख को भाजपा जन्मदिन मनाएगी, इसको लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश के नेता राजेंद्र गुप्ता भी एवं जिला के भाजपा के वरीय नेता अजीत शर्मा सहित कई नेता मौजूद थे। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता से भारत सरकार के मंत्री सपोर्ट तय किया। अब अपनी जन्मभूमि में यहाँ लोग लगाने का जिम्मा है। जो भी कहें वो तो आपके सामने कहें, आप भी सुने हैं। अभी जो बैठक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है 17 तारीख को, लेके सेवा का काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ आज बैठक के लिए आए हैं। इसमें हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता जी भी आए हैं और हम इसको हमको तेजी से करेंगे। यहाँ पर अभी बैठक हुई है, मैं तो इधर से गुजर रहा था तो ट्रांजिट आपसे मुलाकात हो गई। मंत्री जी, निजीकरण और महंगाई के मुद्दे को लेकर 27 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया। अरे लोग तो रोजे करता रहता है कुछ न कुछ बंद बंद बंद, इसके बाद काम क्या है इन लोगों को? विपक्ष के लोगों को बात समझ में नहीं आती, रोज एक न एक आंदोलन अनाउंस करता है और फ्लॉप हो जाता है इसका, फिर से इनका बंद फ्लॉप हो जाएगा। किसान, जैसे आप बिहार सरकार के मंत्री रहे, किसानों के इन दिनों खाद की किल्लत, खाद की दिक्कत दूर होने वाली है क्योंकि वो उधर से जो शिप आता है जिस पे खाद आता है वो नहीं आ पा रहा था कोरोना काल के वजह से। अब वो दिक्कतें दूर हो रही। आज मैंने गया में भी रिव्यू किया था, वो जल्दी जल्दी खाद पहुँचेगा, सबको बांटा जाएगा। मतलब ये आपको लग रहा है कि इस बार भारत बंद फ्लॉप हो जाएगा? हर बार फ्लॉप हुआ फिर होगा। ठीक ठीक, लोग जो काम करता है सब फ्लॉप हो जाता है। ठीक।